बाबा की।
परम चक्र बालदास बाबा की जय। परम चक्र दास बाबा की जय। परम पूज्य गुरु अगरदास बाबा की जय। परम पूज्य गुरु वंशजों की जय। परम पूज्य गुरु माताओं की जय। जोड़ा सत खाम की जय। सादा झंडा की जय। सब गुरु धामों की जय। राजा गुरु धाम गुरु बालदास साहेब की जय। सद्धारी तवसी धाम गुरु समेत बाबा की जय। धर्म गुरु युवराज गुरु गुरु सौरभ साहेब की जय। धर्म गुरु युवराज गुरु खुशवंत साहेब की जय। धर्म गुरु रुद्र कुमार बाबा की जय। सब गुरु धामों की जय। साहेब गुरु सतनाम। साहेब गुरु सतनाम। साहेब गुरु सतनाम। जी गुरु बालक दास साहेब जी ससम्मान उनका स्वागत है। तत्पश्चात हमारे बीच में कहूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे फूल पुष्पों से। मैं बोर्ड कार्यालय के बोलना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय के स्वागत हेतु मैं आपका स्वागत मंचस्थ समस्त से हमारे सभी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जो खूब रूप से स्वागत है के बारे में तथा स्वागत उद्बोधन हेतु सर्वप्रथम बोर्ड कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे एस एस राव साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह समस्त अतिथियों का स्वागत हेतु उद्बोधन अपना प्रदान करें। सबको नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सम्मेलन है। बहुत दिन से हमारा जो खेती करना है, 10,000 वर्षों से 400 पीढ़ियों से हम जानते हैं कि धान को खेती कैसे करना है। आज जो हम कर रहे हैं ये हमारा नहीं है, बहुत पुराना समय से आ रहा है। अभी जड़ी बूटी का उसी साथ करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तीसरा समस्या है उगने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी चार्ज जिले के कार्यक्रम में गठन कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित बहुत ही सम्मानीय बहुत आदरणीय गुरुवीर लालदा जी, बहुत ही प्यारे लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री, बहुत ही पापरा गुरुजी कुमार गुरु जी, मेरी बहन दया शर्मा जी, नरेश पाटिला जी, गजानी जी, पंकज जी, शर्मा जी, मेरे बहुत ही प्रिय साथी भाजा हेलो पांडे जी उपस्थित नवरात्र पूरे प्रदेश से गुरा विधायक शर्मा जी मेरे भाई नवरात्र और पूरे प्रदेश से आप लोग पधारे हैं इस गरिमा में कार्यक्रम सभी का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे सीओ सर ने बहुत ही संक्षिप्त में इस बोर्ड के संबंध में आप लोगों को बताया। ये बोर्ड जोगी जी के कार्यकाल में गठन नहीं हुआ था, रमन सिंह के कार्यकाल में गठन हुआ था। 15 साल रमन सिंह के मंत्री स्वयं इस बोर्ड के अध्यक्ष जी इतिहास है। और दो साल में आरएसएस वालों के दबाव पर राम प्रताप जी को इसका क्या किया कि आपको आपको कुछ नहीं करना है, मेरे ऑफिस से 20 लाख रुपया हर महीने ले जाना है और एक गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए, चौकीदार लीजिए, गन्ना लीजिए और पार्टी का प्रचार। उनका कोई बंदा यहाँ ऑफिस में आता था, कुछ कुछ करता था, तो राव साहब नहीं थे बोलते, वो मैं इतने दिन से पता किया। सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ वन औषधि से आच्छादित प्रदेश है। हमारे मुख्यमंत्री जी
52 वन औषधि वन उपज को खरीद रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री बढ़ाते हुए आप सब समान मंत्री महोदय के उद्बोधन से पूर्व किया जाए निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानी अतिथियों आप सभी से निवेदन है कि स्वागत है माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर शिव रंजन महोदय जी का स्वागत है। आप सभी से स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय का पुष्प से स्वागत करेंगे कि आदरणीय श्री मंत्री महोदय जी डॉक्टर शिव रंजन जी का स्वागत करेंगे पुष्प से। आदरणीय कुशवंत गुरु जी के शपथ कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आदरणीय धर्म गुरु गुरु बालदास साहेब जी, हमारे औद्योगिक बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के सम्मानित अध्यक्ष के पी कांडे जी, हमारे राजमहंत आदरणीय बघेल जी और पूरा कैबिनेट मंत्री मध्य द्वारा माननीय शिवकांत डहरिया जी और हमारे राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब जी के आशीर्वाद से जो ये उपाध्यक्ष के पादप बोर्ड में पद मिले हैं। एकल लिए सबसे पहले मैं बाबा जी बन के जय घोष के नारा लगा के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो आप